आम आदमी पार्टी द्वारा निकाय चुनाव के मद्देनजर गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान को मिले जनता के समर्थन के बाद यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह के निर्देशानुसार आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। उसी प्रकार वाराणसी में भी 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच निकाय चुनाव होने वाले क्षेत्रों में कुल 6 कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता और वाराणसी निकाय चुनाव प्रभारी मुकेश सिंह ने बताया कि 20 नवंबर को गंगापुर नगर पंचायत में, 22 नवंबर को शिवपुर विधानसभा में, 26 नवंबर को शहर उत्तरी में, 27 नवंबर को शहर दक्षिणी में, 29 नवंबर को रोहनिया विधानसभा में और 30 नवंबर को कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। मुकेश सिंह ने बताया कि सम्मेलन में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को आवेदन पत्र भी दिए जाएंगे जो कि पूरी तरह निःशुल्क होगा। सम्मेलनों में उस क्षेत्र के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हिस्सा लेंगे और आगामी 20 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक हम पूरे प्रदेश में 800 से ज़्यादा जगहों पर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं और बनारस में भी 6 जगहों पर, यानी कि 5 नगर निगम से संबंधित विधानसभाओं और गंगापुर नगर पंचायत में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम 20 तारीख से गंगापुर में करने जा रहे हैं। गंगापुर के बाद 22 तारीख को हम 22 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख को विभिन्न विधानसभाओं में हम अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे।